आज हम खेलेंगे GTA 5 वो बिना किसी लॉ को तोड़े हुए, सारे रूल्स फॉलो करेंगे जैसे कि ट्रैफिक लाइट पे रुकना या फिर और भी इतने रूल्स है, और बिल्कुल बिना किसी का मर्डर करे। इसमें कंडीशन है कि अगर मैंने किसी के लॉ को तोड़ा तो मुझे पीनट बटर खाना पड़ेगा। अब पीनट बटर बहुत ही आसान चीज लगती होगी, लेकिन पीनट बटर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये चूज किया जो मेरे लिए हार्ड होगा। तो अगर मैंने लॉ तोड़ा तो मैं पीनट बटर खाऊंगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये रहा हमारा फ्रैंकलिन, ये अब यहीं पे खड़ा है। मुझे लगता है मैं हमेशा तैयारी में रहती हूँ, मेरे को रूल नहीं तोड़ना है, मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, तो बंदूक अंदर, डायरेक्ट अंदर, कोई खून खराब और मर्डर नहीं। चलते हैं, बढ़िया कोर्ट प्लान चलते हैं। और ये अपनी खुद की कार भी मैंने बिल्कुल भी नहीं चुराई है, कार मेरे खुद के पैसों की है। चलो फ्रैंकलिन, बिना रूल तोड़े धीरे चलो चलते। अरे हटो हटो भैया, चलो अब चलते हैं, हेयर कट करवाने हैं। स्पीड लिमिट है, धीरे चलाना है। हो रेड लाइट है, अभी नहीं रुक जाते हैं, धीरे चलाना है मुझे, एकदम सही लेन में चलाना है, प्रॉपरली चलाना है। धीरे से लेंगे, मोड़ते हैं इसको, जान दो पहले। मैंने गलत लेन में आ गई हूँ, नहीं मैं सही पे हूँ, धीरे चलाना है। यार कुछ गड़बड़ है यार, मेरे GTA 5 में थोड़ी गड़बड़ है मॉड वाली की। जब भी मैं किसी लोगों के पास जाती हूँ, ये लोग बाहर के निकल जाते हैं। अब चलते हैं। ओ मैंने थोड़ा काम कर दिया। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर मैंने रूल तोड़ा, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ी थी, वैसे ठोकना बुरी बात है, तो मुझे पीनट बटर खाना होगा। ओह मैं आ गया हूँ, मेरे को कुछ कटिंग करवानी है, एक बढ़िया से स्टाइल करवाएंगे, एकदम सभ्य व्यक्ति वाली। फ्रैंकलिन खतरनाक बना रखा था मैंने। ये रही अपनी कार, नई थोड़ी एक्सचेंज रही। ये कार मेरे बिल्कुल भी चुराई नहीं है, ये कार मैंने सिर्फ मॉड से बुलाई है। अब इसमें चोरी थोड़ी ना आता है, शायद होता है। मैंने सोचा कि हम थोड़ा वेनिस बीच पे थोड़ा घूम के आते हैं। चलो बिना रूल तोड़े जाना है, आराम से एकदम नॉर्मल की तरह। सब मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं यार, बताओ मेरे को, मैं शरीफ आदमी, मैंने कुछ भी एक लॉ तक नहीं तोड़ा, बस एक आंटी को उड़ाया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। बड़ा हरामी हो बेटा, ये गाड़ी जरा से भगती है, भगाऊं क्या? चलो थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग करते हैं। ये 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 ओए मोटे, नहीं मैं शरीफ हाथ में हूँ, चुप। नॉर्मल आदमी की तरह, मैंने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं क्यों फालतू में दौड़ रही है। अब हम थोड़ा जिम करेंगे, थोड़ी बॉडी बनाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ गड़बड़ चल रहा है। अरे अरे कुछ तो केओस चल रहा है। अरे सब भाग क्यों रहे सर आप, अरे जा क्यों रहे, अरे सर सर सुनिए तो सही, अरे सब भाग क्यों रहे हैं, मुझसे डर के कोई नहीं भाग रहा है, कोई और है। मेरे को तो देर से लग रहा था मैं ही वो आदमी हूँ। चलो देखने चलते हैं क्या चल रहा है, मैं भी जानूँ। GTA 5 यहाँ पे शांति रह नहीं सकती। अच्छा वहाँ पे कुछ चल रहा है, खैर अपन तो यहाँ पे एक्सरसाइज करने आए थे तो वही करते हैं। चलो शुरू करते हैं, बहुत जरूरी एक्सरसाइज। अब थोड़ा हम मेडिटेट करते हैं। ये फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, अब मैं बताऊँ क्या। ये फ्रैंकलिन, ये बॉय बहुत मस्त, बहुत ज़्यादा मस्त। ये आखिरकार हमारी एक्सरसाइज हो ही गई, चलो चलते हैं। एक्सरसाइज भी हो गई, हेयर कट भी कर लिया, घूमने भी आ गए, जॉगिंग भी कर ली, अब कुछ थोड़ी चीज़ बची है, बिना रूल तोड़े। ये अब अपन थोड़ा अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे, जैसे कि यहाँ पे बैठ के कितना अच्छा लग रहा है ना, अपन कितने अच्छे तरीके से सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अरे अरे उठ के क्यों चलेगा, अरे अरे यार आप थोड़ा फोटो खींचने चलते हैं। ये थोड़ा ये वाला पोज था सर, ये वाला पोज, ये यस यस ये 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 यही देख रहा हो तो ये। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना कि बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि अब तो फ्रैंकलिन भी कह रहे कि सब्सक्राइब करना चाहिए।